अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स एंड फैन, मैं आपका होस्ट समीउल अतारक। ये भाई हैं ताहिर शिवली नुमानी फ्राम ममदाना पिपली पालिया। ये भाई हैं वकार फ्राम पालिया। आज से ये चैनल हमारा हुआ, हम नई वीडियो अपलोड किया करेंगे, क्योंकि भाई अदनान आपसे नाराज हैं, आप उनकी वीडियो नहीं देखते, उनको व्यूज नहीं आ रहे थे, सब्सक्राइबर नहीं आ रहे थे, इस वजह से वो आपसे नाराज हो चुके हैं। आइंदा से हम तीनों दोस्त वीडियो बनाया करेंगे। आज से हम हैं नए रूस्टर। सलाम फ्रेंड्स एंड फैन, चैनल किसी को नहीं दिया, चैनल मेरा ही है, चैनल हमेशा मेरा रहेगा। ये एमी जो है बोल रहे हैं, जहाँ तक ताल्लुक है कंटेंट का, तो आज ये दूसरा व्लॉग होगा, ऑफिशियल व्लॉग। पहले हमारे चैनल पे 32 वीडियो है, लेकिन व्लॉग एक ही है, तो आज ये हमारा ऑफिशियल सेकंड व्लॉग होगा। हॉस्टल लाइफ है, हम आपको दिखाएंगे कि हम हॉस्टल में कैसे जिंदगी गुजारते हैं। यानी हम जा रहे हैं इस वक्त खाना लेने मैं ही जा रहा हूँ, मैंने ही डीलिंग करनी होती है, ये सिर्फ सामान उठाने के लिए रखा हुआ है हमने। देखा छुप रहा है आप जी। तो पार्टी क्यों हो रही है हॉस्टल में इस वक्त, क्योंकि आज ताहिर जानी आया हुआ है, बड़े दिनों बाद आया है। समी उस्ताद फुल मूड में बैठे हैं। हॉस्टल में एक नए स्टूडेंट की एंट्री हुई है, तो चले आपको उसे मिलाते हैं। ये खड़े हैं वो। माय नेम इज अरिना एंड बिलोंग टू पैरावाल से। आप क्या स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे? बीकॉम स्टडी कर रहे हैं। चले ये है जानी हॉस्टल लाइफ, इस तरह हम हॉस्टल में रहते हैं। देख सकते हैं आप, एक ही रूम है, सब हम इधर ही हैं। वैसे रूम में दो दो होते हैं, लेकिन वैसे की गपशप चल रही है तो सारे इधर बैठे हैं। दो बंदे रह गए थे जिनका इंट्रो नहीं हो सका, तो ये है जी शहजाद साहब, चौधरी शहजाद साहब, और भाई आपका क्या नाम है? हसनैन साहब बैठे हैं। तो ये अभी यूं समझने हमारी वीडियोस में पहली दफा इनका सीन आया है। जा रहे हैं खाना लेने के लिए, पार्टी है तो थोड़ा कुछ ले के आता है खाने के लिए। बॉयज वेट कर रहे हैं सारे। तो ये देखें सामान इसने उठाना होता है, लेकिन तैयारी देखिए कैसे करके जा रहे हैं, जैसे वहां पे कोई समझ रहे ना आप, समझ रहे हो। सबको जम ले आए हैं, और ये देखें जो आपको बताया था कि ये बंदा सिर्फ हमने रखा हुआ है एज अ नौकर, तो देखें ये उठा के हम हमारे साथ आया, चल के आए। टीटू पार्टी ला रहे हैं, टीटू पार्टी है ये बोला रिकॉर्ड 2.0। लेट्स गो लारीतो। ये है जानी हॉस्टल लाइफ, इस तरह हम हॉस्टल में ज़िंदगी गुजारते हैं। हमारा ये वाशरूम है, यहाँ पे हम कपड़े शपड़े धोते हैं, और ये जो जगह आप देख रहे हैं, अगर वैसे तो हम छत पे डालते हैं कपड़े सूखने के लिए, मगर जब छत पे मौसम ख़राब हो या कोई बारिश वगैरह हो रही हो, तो ये देखें हम यहाँ पे ऐसे डाल देते हैं, कपड़े सूख जाते हैं। ये है जानी हॉस्टल लाइफ। जिन्होंने कभी ज़िंदगी में हॉस्टल लाइफ एक्सपीरियंस नहीं किया जाने, तो ज़िंदगी में उन्होंने कुछ भी नहीं एक्सपीरियंस किया मेरे ख्याल में, क्योंकि हॉस्टल लाइफ एक ऐसी लाइफ होती है जिससे आप बहुत सी मुश्किलों से गुजरते हैं। आपको मुख्तलिफ जो सिचुएशन बनती हैं उनको आप कैसे मैनेज करते हैं, ये आपको हॉस्टल ही सिखाता है। ले चलूँगा मैं अपनी वाईफाई प्लेस, एक ऐसी जगह जहाँ पर वाईफाई के सिग्नल आते हैं, जब भी हमने नेट चलाना हो, या जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूँ तो मैं इधर आके करता हूँ, जहाँ पर थोड़ी लाइटिंग का इशू है, लेकिन आपको थोड़ा सा देख लेता हूँ। ये जो जगह है ना जानी, ये जगह, ये देखें एक वाईफाई पे बंदा पहले ही खड़ा हुआ है। तो ये जगह वो है जहाँ हम वाईफाई चलाते हैं। ठंड बड़ी होती है यहाँ पे, यकीन माने यहाँ पे वाईफाई चलाना एक इंतहाई मुश्किल काम है। ये देख सकते हैं आप, ये वो जगह है जहाँ पे वाईफाई के सिग्नल्स सही आते हैं, लेकिन जानी वाईफाई ना होना तो कहाँ निकलता हमारा, तो इसलिए हम ठंड के बावजूद भी यहाँ पे आते हैं। आपको जो वीडियो मेरी देखने को मिलती है, मैं इधर ही आके अपलोड करता हूँ। तो बस यानी यही थी आज की वीडियो, यही था आज का हमारा दूसरा ऑफिशियल व्लॉग। तो अब व्लॉगिंग चलती रहेगी थोड़ी थोड़ी, लेकिन जानी व्लॉगिंग का मुझे इतना कुछ शौक नहीं है, वैसे कॉन्टेंट जो है वो ज़्यादा रोस्ट ही है हमारा, और UFC की जो वीडियोज़ आती हैं वही हैं।
अगर आप लोगों को मेरा कंटेंट और मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो जाने लाइक मार दिया करो यार, क्या जाता है तुम्हारा, कुछ भी नहीं जाता। YouTube को भी पता चले कि यार बंदे का कंटेंट है, लोग पसंद कर रहे हैं। और जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जाने, तो क्या कर रहे हो यार, इतना टाइम हो गया, आप तो सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब सब्सक्राइब। I got broads in Atlanta, just to lean the family, credit cards in the scammers, hitting the licks in the bank, legacy.